नमस्कार। इतिहास से लिए गए जीवन के कुछ एहसास, कुछ महत्वपूर्ण पाठ लेकर आई हूँ मैं आपके पास अपने शो हर दिन कुछ कहता है के साथ। मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। मेरा मानना है हर दिन हमसे कुछ कहता है, शायद जीवन को बेहतर बनाने का एक प्यारा सा संदेश देता है। नई आशाओं, नई उम्मीदों से भरे दिन की शुरुआत बढ़ी हुई ऊर्जा और जोश से करने के लिए चलिए जानते हैं मार्च 8 का खास पाठ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास 115 साल पुराना है। अमेरिका में 1908 में मजदूर आंदोलन हुआ था। उस समय वहां मौजूद महिलाओं ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर अपनी नौकरी में समय को कम करने, वेतन बढ़ाने और वोट डालने के अधिकार की मांग को लेकर मार्च किया था। इसके एक वर्ष पश्चात 1909 में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया। इसके बाद 1910 में क्लारा जेटकिन ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का सुझाव दिया। इस सम्मेलन में 17 देशों की करीब 100 कामकाजी महिलाएं उपस्थित थी। उन सभी महिलाओं ने क्लारा जेटकिन के सुझाव का समर्थन किया। उसके बाद पहली बार 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में महिला दिवस मनाया गया। इसके बाद 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब पुरुष युद्ध पर थे तब महिलाएं भोजन की कमी से जूझ रही थी, सरकार भी उनकी बात नहीं सुन रही थी। 8 मार्च 1917 में हजारों रूसी महिलाओं ने बदलाव की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध इतना संगठित था कि सम्राट निकोस को अपना पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और इसके बाद यहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी मिला। तब से रूस में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने लगे। संयुक्त राष्ट्र ने इसे आधिकारिक बनाने के लिए 1975 में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। और अंत में क्या आप जानते हैं, रानी कर्णावती जो बूंदी भारत की एक राजकुमारी और अस्थायी शासक रही, उनका विवाह मेवाड़ साम्राज्य के राणा सांगा से हुआ था। वे राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह की माँ और महान महाराणा प्रताप की दादी थी। वह अपने पति की तरह ही उग्र थी और उन्होंने सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी के साथ चित्तौड़ की तब तक रक्षा की जब तक कि वह अनिवार्य रूप से गुजरात सेना के अधीन नहीं हो गया। उन्होंने भागने से इनकार कर दिया और 8 मार्च 1534 को अपने सम्मान की रक्षा के लिए जोहर कर लिया।